नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे रहेंगे और आने वाला समय बताएगा। नीतीश हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, वो जल्द ही आ जाएंगे, आप लोग चिंता ना करें, ऐसा आरजेडी के नेता का दावा है। दावा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी सियासी चचा और भतीजे की जो मुलाकात हुई तो हंगामा तो बिहार में मचा ही, एनडीए के नेताओं में भी थोड़ी सी खलबली मच गई कि क्या नीतीश कुमार फिर से उसी रास्ते पे चल पड़े हैं कि वो राजभवन जाएंगे और कहेंगे कि वहां दिल नहीं लग रहा था इसलिए इधर आ गए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सियासी आदत रही है वो इस तरह की रही है। अब आरजेडी के बड़े नेता है भाई वीरेंद्र, उन्होंने दावा कर दिया है कि नीतीश तो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। यानी भाई वीरेंद्र ने जब पिछली बार गठबंधन टूटा था जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आए थे उस वक्त उनका ऐसा ही दावा था, अब भी फिर भी उसी तरह का दावा है। उनके कई सारे नेता प्रवक्ता चाहे वो शक्ति सिंह यादव हो, मृत्युंजय तिवारी हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश तो आएंगे ही, आप टेंशन मत लीजिए, समय का इंतजार कीजिए। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं? ऐसा इशारा उन्होंने दे दिया है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं थोड़ा समय लेते हैं। गठबंधन टूटने का हो, गठबंधन बनने का हो तो एक माहौल क्रिएट होता है, यानी एक अन्य मार्ग के आसपास हलचल बढ़ती है, फिर नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने चले जाते हैं और इन सारी चीजों को लेकर के जो दावे हैं आरजेडी के नेताओं की तरफ से, समझिए कि एक दावा यह है कि नीतीश कुमार इधर आएंगे और आने की दलील ये दे रहे हैं कि वो हमारे तो थे ही, समाजवादी लीडर हैं, समाजवादी सोच के हैं, जेपी लोहिया कर्पूरी को मानने वाले हैं, इसलिए वो उधर चले गए हैं, कोई बात नहीं है, वो हमारे साथ थे यानी हमारे ही थे और वो हमारे साथ रहेंगे यानी हमारे ही हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की जो सियासी आदत है उसको लेकर के ये अनुमान भी लगाया जा सकता है। लेकिन भाई वीरेंद्र आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं, मनेर से विधायक हैं और उन्होंने कहा है कि वो हमारे यहां और हमारे साथ आएंगे, तो उनके इस दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आए ना आए, लेकिन इस बात में समझिए कि थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी मजबूती झलक रही है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ जाए और फिर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने की मुहिम में जुट जाए, या ये कि चुनाव से पहले आकर के कुछ दिन सरकार बनाए फिर चुनाव में साथ रहे, या ये कि चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। इसलिए कि जेडीयू पर यह खतरा तो हमेशा मंडलाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जबान से कई बार कहा है कि बीजेपी हमको तोड़ना चाहती है, हमारे पार्टी को, हमारे विधायक को, हमारे एमपी को तोड़ना चाहती है, तो इस बात से हमेशा जेडीयू और नीतीश कुमार डरे रहते हैं। तो ऐसे हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जेडीयू अपने आप को सेफ करने के लिए, यानी जिस तरह से जेपी नड्डा लगातार बिहार में आ रहे हैं, बीजेपी के नेता अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, अश्विनी चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, चेहरा उसी वक्त तय होगा जब चुनाव हो जाएगा। और उसके अलावा बीजेपी के नेता ने यह भी कहा कि दलित चेहरा होगा बिहार में मुख्यमंत्री का एनडीए की तरफ से। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार को हो सकता है इशारा मिल गया होगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं वो जरूर केंद्र के इशारे पे कह रहे होंगे। तो ऐसे हालात में भाई वीरेंद्र का ये दावा जो है थोड़ा थोड़ा सच लगता है, थोड़ा थोड़ा करीब लगता है नीतीश कुमार के इधर आने का, कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर हो कि हमको कमजोर करने की साजिश अंदरून खाना बीजेपी कर रही होगी, इसलिए हम इधर चले जाते हैं, पार्टी भी बच जाएगी और कुर्सी पर भी यथावत बने रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।